दोस्तों अगर आप भी हैं आईपीएल के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा आईपीएल की लेटेस्ट न्यूज के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के लिए आईपीएल साल 2023 का उल्टी गिनती यानी काउंटडाउन शुरू हो चुका है और काफी सारी अच्छी खबरें इंटा स्क्वाड मैच के बाद देखने को मिल रही है। हालांकि दोस्तों यहां पर नीतीश राणा तो देखे नहीं, बट सब कुछ वेल है, वो यहां पर पहले मुकाबले के लिए अवेलेबल रहने वाले हैं। प्रैक्टिस वो शायद लास्ट डे कर सकते हैं या शायद अब आपको प्रैक्टिस पे ना दिखे। बट दोस्तों अगर बात करें तो अभी की टॉप अपडेट्स निकल कर आ रही है जिसके ऊपर आज हम आपको मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी बताने वाले हैं टीम केकेआर के, जो कि साल 2023 के अंदर टीम केकेआर को ट्रॉफी तो जिताएंगे ही बट अपनी पोटेंशियल भी 110% वो साबित करेंगे, क्योंकि उनकी पोटेंशियल अगर दिख गई ना तो टीम केकेआर को बहुत सारा इनाम मिल जाएगा जीत के तौर पर। और कंपटीशन बहुत हार्ड होने वाला है, बट ये आईपीएल जो कि इंजरी प्रीमियर लीग बनता जा रहा है उसके अंदर अब टीम केकेआर के पास जो भी खिलाड़ी बचे हैं उनमें ही उनको परफॉर्मेंस देना होगा। तो यार एमवीपी लिस्ट बताने से पहले वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कर देना, काफी सारा मेहनती कंटेंट आप सभी के लिए बनता रहता है, टॉप अपडेट्स लेटेस्ट खबरें सबसे पहले आती है। तो यार अभी हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और प्लीज यार अगर आप चाहते हो केकेआर जीते पहला मुकाबला तो यहां पर आप 5 दोस्तों के साथ वीडियो भी जरूर शेयर कर लेना। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे प्लेयर्स की जो एमवीपी लिस्ट के अंदर टॉप करते हैं। मनदीप सिंह सबसे पहले निकल कर आ रहे हैं। अब मनदीप सिंह एक ऐसे प्लेयर है जो कि यार प्रैक्टिस सेशन के अंदर तो बहुत धमाका मचाते हैं बट ये अनलकी रहते हैं यहाँ पर मैचेस के अंदर। सो अब देखना काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि मनदीप सिंह की परफॉर्मेंस कैसे रहने वाली है। दूसरे एमवीपी प्लेयर का नाम निकल कर आ रहा है यहाँ पर दोस्तों, रहमानुल्लाह गुरबाज। तो ये रहमानुल्लाह गुरबाज भी बहुत ज्यादा यूनिक इस साल गेम प्ले दिखाने वाले हैं और इनका जो गेम प्ले होने वाला है उसके ही बलबूते के ऊपर शायद यहाँ पर टीम केकेआर को पावर प्ले में अच्छा स्कोर देखने को मिल जाएगा। और तीसरा जो एमवीपी और लास्ट एमवीपी होने वाला है वो है रिंकू सिंह। अगर रिंकू सिंह का बल्ला चल गया जैसे इंट्रा स्क्वाड में चला था तो यार फिर तो टीम केकेआर की किस्मत ही खुल जाएगी। अब ये तो हो गई यार बॉलिंग की, यहाँ पर बैटिंग की जो यहाँ पर एमवीपी लिस्ट है। क्या ऐसे बॉलर्स भी है जो टीम केकेआर के लिए अपना फुल पोटेंशियल दे पाएंगे और कुछ धमाका कर पाएंगे या कुछ एक्स्ट्रा कर पाएंगे? अगर जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर दो। बॉलर्स के लिए, ऑलराउंडर्स के लिए या किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो आपको मिल जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी जरूर लाइक कर देना।